चलिए माइंड को बिल्कुल, आंखें बिल्कुल, मैम किसी को भी शिफ्ट कर रही है, बाकी किसी ने ध्यान नहीं देना, अपनी तरफ बिल्कुल एकदम, अपने आप को रिलैक्स, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे बिल्कुल, जो आपने सुबह से किया उसको बाहर निकालो, हमने बिल्कुल वो माइंड पे नहीं रखना, कोई मूवमेंट नहीं, पीठ एकदम सीधी, बैक एकदम स्ट्रेट, सहारा नहीं, डीप इनहेल एंड एक्सहेल वेरी स्लोली, कोशिश करो मन में 1 2 3 करके इनहेल करो एंड 6 में एक्सहेल करो, 1 2 3 4 5 6, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल एंड एक्सहेल, रब योर हैंड्स, वॉर्म योर हैंड्स एंड देन पुट योर वॉर्म हैंड्स ऑन योर आईज एंड देन ओपन योर आईज। बेटा इससे डू यू नो, वन ऑफ माई आंटी, मेरी मासी थी, शी हैड टोटल किडनी फेलुअर, है ना, उनका बिल्कुल किडनी, इन आई थिंक 2002 उनका टोटल किडनी फेलुअर था, एंड वन ऑफ द पर्सन, है ना, वेरी लर्नर्ड पर्सन, उन्होंने ये समझाया, वी वर वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट दिस, कि भाई अगर हमारे तो बॉडी में सेल्स रोज बन रहे हैं या रोज टूट रहे हैं, तो हमने नए सेल्स को हमने रीजनरेट करवाना है, तो डू हाफ एन आवर कपालभाति एंड हाफ एन आवर अनुलोम विलोम एंड डू सच ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आंखें बंद करके सांस अंदर सांस बाहर, एंड शी डिड दैट, एंड डू यू नो बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेस शी जस्ट डाइड आई थिंक 1 1 और 2 मंथ्स बैक, तो 2004 से 2023 तक, ठीक है, शी सर्वाइव्ड विदाउट एनी यू नो किडनी ट्रांसप्लांट और एनीथिंग, ओनली बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, थोड़ी बहुत मेडिसिन तो चलती होगी, बट 100% किडनी फेलुअर था, ठीक है, इन एक्सरसाइजेस से, थोड़ी सी मेडिकेशन से शी सर्वाइव्ड फॉर अबाउट 20 ईयर्स, ठीक है, अगर उनका सर्वाइवल हो सकता है तो हमारा ब्रेन क्यों नहीं एक्टिव हो सकता, यस और नो, तो हमारे ब्रेन को, बच्चे हो आपका ब्रेन वैसे ही बहुत एक्टिव है, बट क्लास में उसको एक्टिव करने के लिए आप एक ये शेड्यूल बना लो कि जैसे ही एक से दूसरी क्लास शुरू होनी है, रादर देन स्पीकिंग विद अदर स्टूडेंट्स, ट्राई टू इनहेल डीप एंड एक्सहेल फॉर 5 टाइम्स ओनली, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी बढ़ गई। ये मत सोचना कि वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा मैडम, मैडम ने कहा अब तुम ये करने, एवरीबडी, है ना, फेल्स स्टूडेंट्स शुड बी लाइक दैट, विल यू डू दैट, हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, रेज योर हैंड्स, वेरी गुड, ठीक है बेटा, इससे किसी को फायदा नहीं, आपको फायदा क्या होगा कि आपको लर्निंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम आपको खेलने के लिए मिलेगा, टीवी देखने के लिए मिलेगा, मोबाइल फोन्स पे खेलना आई डोंट प्रेफर, बट यू कैन डू मेनी अदर एक्टिविटीज इन द रिमेनिंग टाइम, हर टाइम पढ़ना 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 ये नहीं रहेगा, क्लास में एक्टिव रहो, मैक्सिमम चीजें आपको वहीं समझ में आ जाएगी, ठीक है जी, चलिए। अब मैम यहाँ पे सेंटर वाले रो में मैम माइक पकड़ा दो इनको जरा जल्दी से, फर्स्ट गर्ल को पकड़ा दो, बेटा जल्दी से बताओ, ब्रीदिंग जो है, हम थोड़ा सा रीकैप कर लें, ब्रीदिंग केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज, फिजिकल, फिजिकल नेक्स्ट स्टूडेंट,
लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट अ फिजिकल की केमिकल चेंज बेटा? केमिकल मैम केमिकल चेंज चेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेल रेस्पिरेशन फिजिकल की केमिकल? फिजिकल सेल रेस्पिरेशन। कैसे? केमिकल सेल रेस्पिरेशन क्या है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट? दिस इज सेल रेस्पिरेशन, केमिकल चेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, सेल रेस्पिरेशन दो टाइप की कौन सी है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है दो टाइप से हो सकता है। एरोबिक एंड एनारोबिक। बिल्कुल ठीक है। दोनों केमिकल चेंज है कि दोनों फिजिकल की, एक फिजिकल एक केमिकल? हमें एक फिजिकल और एक केमिकल। कौन सा फिजिकल और कौन सा केमिकल? मैम एरोबिक फिजिकल एंड एनारोबिक केमिकल। हम देखते हैं। चलो अब बताना मुझे, ये है एरोबिक, ये है एनारोबिक, ये आपने बताया केमिकल है। अब बताओ ये नीचे वाला केमिकल है कि फिजिकल है? केमिकल मैम केमिकल। है बेटा। सिर्फ जो लंग्स तक हो रहा है ना वो फिजिकल है, सेल्स में जो कुछ भी हो रहा है ना वो केमिकल है। इज इट ओके? ठीक है, तो दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कौन सी है? दोबारा से बोलो एवरीबडी। केमिकल केमिकल है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट को दो बेटा। बेटा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड? कॉम्प्लेक्स फूड। फिर डाइजेशन क्या है? मैं सिंपल फूड। डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड मैं कॉम्प्लेक्स फूड। एंड रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, सिंपल फूड। यस, रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। सिंपल फूड इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स फूड। सिंपल फूड इंटू कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन सिंपल मैम नो मैम, कॉम्प्लेक्स। ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोस। बेटा सिंपल फूड ही ग्लूकोस है बच्चे। सिंपल रेस्पिरेशन में ग्लूकोस टूट के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, एनर्जी। वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी यही हमने पूछा था बेटा। रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड या सिंपल फूड। रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्पिरेशन बेटा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्पिरेशन बेटा इट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर? डिक्रीज डिक्रीज करता है टेम्परेचर कि इंक्रीज, बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है। कम करता है, रेस्पिरेशन कम करेगा बेटा। मैम बेटा ज्यादा एनर्जी इसमें निकल रही है, जहां से एनर्जी निकले वो क्या करता है? मैम ज्यादा ज्यादा करता है बेटा। सो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस टेम्परेचर बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इज वोलंटरी की इनवोलंटरी बेटा? मैम इनवॉलंटरी। इनवोलंटरी, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने बेटा तीन बीकर्स लिए, एक में ड्राई सीड्स रखे, एक में मॉइस्ट सीड्स रात को भिगोए हुए सीड्स रखे, और तीसरे में बॉइल्ड सीड्स ठंडे करके रखे, बॉइलिंग के बाद ठंडे किए और फिर रखे, और तीनों का टेम्परेचर मेजर किया, किसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? मॉइस्ट सीड्स। मॉइस्ट सीड्स में नहीं होगा कि होगा?
मैम नहीं होगा। मॉइस्ट सीड्स में टेम्परेचर, ड्राई सीड्स में क्यों चेंज होगा बेटा? हाँ जी, एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड्स। बेटा दो उधर माइक दो, जिसको पता है आंसर, जिसका हाथ खड़ा है। ड्राई सीड्स में और मैम बॉइल्ड सीड्स में नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। क्यों होगा बेटा इसमें? मैम बिकॉज ऑफ द टेक प्लेस ऑफ द रेस्पिरेशन। बिकॉज सिर्फ यही लिविंग है, लिविंग तो ये भी है बट ये ड्राई है, ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके क्लियर बच्चे गर्ल्स? ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यही बॉयज में ही नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए। बेटा ब्रेन, ब्रेन सेंड सिग्नल्स फॉर इनहेलेशन व्हेन CO2 इंक्रीजेस, CO2 डिक्रीजेस, ऑक्सीजन डिक्रीजेस की ऑक्सीजन इंक्रीजेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं CO2 इंक्रीज है। वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेन कब? जब वो CO2 को डिटेक्ट करता है, ऑक्सीजन से उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटा जब हम इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल द चेस्ट इन्फ्लेट्स की कॉन्स्ट्रिक्ट्स, मैम इन्फ्लेक्ट इन्फ्लेट इन्फ्लेट्स राइट, इट इन्फ्लेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायफ्राम, जो डायफ्राम है इनहेलेशन में, वो नीचे आता है कि ऊपर जाता है बेटा? मैम नीचे। नीचे आता है, गेट्स फ्लैटेंड राइट, इट गेट्स फ्लैटेंड। रिब केज कम्स आउटवर्ड्स की इनवर्ड्स? आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। रिब केज मूव्स अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, ये अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, नेक्स्ट स्टूडेंट इनहेल हो रहा है कि एक्सहेल हो रहा है? मैम इनहेल। इनहेल हो रहा है, और अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो एक्सहेल एक्सेल। हो रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई तो व्हाट डज दिस शो? मैंने अभी आपसे करवाया था, डीप इनहेल। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, दैट इज डीप इनहेलेशन, वेरी गुड। सिट डाउन, ठीक है जी मैम, अब माइक आप ले लीजिए, अभी मैं इनको कुछ समझाऊंगी। अब बेटा नाउ मैम, उधर जो सबसे लास्ट उधर वाले बॉयज है ना, इधर वाले नहीं दूसरे वाले, ला उधर उधर वाली साइड के सबसे लास्ट वाले बॉयज को देना। यू कैन सी दिस इज रिब केज वेयर लंग्स आर प्रेजेंट। मुझे ये यस बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस? विंड पाइप। विंड पाइप। नेक्स्ट स्टूडेंट को दो। मैम यस बेटा ये क्या है रेड वाला? मैम डायफ्राम। डायफ्राम है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? चेस्ट बोन।
चेस्ट बोन है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बेटा ये जो दो लंग्स के बीच में ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? मैम हर्ट। हार्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम बैठ जाओ बेटा, अभी बैठ जाओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा लूं। दिस इज विंड पाइप, दीज आर टू लंग्स एंड द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, ईच ब्रांच गोज इनटू ईच लंग एंड इन ईच लंग दिस ब्रांच फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस एंड अल्टीमेटली यू कैन सी हियर देयर आर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे इन्होंने बताया एल्वियोलाई या एयर सैक्स, या फिर हम इनको बेटा मिनिएचर लंग्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज, अपनी कॉपी में लिख लेना, एल्वियोलाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज एयर सैक्स एंड या फिर मिनिएचर लंग्स। ईच लंग हैज अबाउट 10 लैक्स या 1 मिलियन एल्वियोलाई। ईच लंग, ये भी लिख लेना है, ईच लंग हैज अबाउट 1 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक है जी बेटा, अब माई क्वेश्चन इज, जिसको पता होगा वो हैंड रेज करेगा कि ये ठीक है, ऐसे करके ये डिवाइड हो गई ब्रांचेस में इस तरह से, यहां पे ऐसे है, बट माई क्वेश्चन इज कि यहां पे सिंगल एल्वियोलाई क्यों नहीं है, एक एल्वियोलस क्यों नहीं है, व्हाई देयर आर मेनी एल्वियोलाई, एक बैग क्यों नहीं है, छोटे 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 इतने सारे बैग्स है, ऐसा क्यों? एनीबडी हु कैन टेल मी? अच्छा अब हम थोड़ा सा एक, मैं आपको एक एक्टिविटी सी कर बताती हूँ। ये दिख रहे हैं आपको बेटा कितने ग्लासेस है बच्चे, किसके पास माइक है वो बताइए। चले, 3 ग्लासेस आर देयर। इसमें हम जितना भी पानी भरेंगे, मतलब जितना एक ग्लास में, वो 3 ग्लासेस में वॉल्यूम सेम है। अब लेट अस से कि ये जो ग्लासेस है इसमें मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, राइट? कहां से? इधर देखो एवरीबॉडी, बिल्कुल ध्यान से, सीधी कमर के साथ, एकदम सीधे होके, ताकि आपको समझ में आए। ऑक्सीजन जा रही है, कहां से जा रही है? इस सरफेस से, इस सरफेस से जा रही है। लेट अस से दिस इज ए सरफेस, दिस इज, यहां से भी जा रही है बी सरफेस, यहां से भी जा रही है सी सरफेस। ओके, तो ए बी एंड सी। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको एक को निकाल लिया, ये सारा बाहर वाला जो सरफेस है राउंड वाला, ये तो ए है, ये तो इतना ही रहा, ये बी था, ये सी था, क्या अब ये डी और ये ई, ये बढ़ा के नहीं, यस और नो? जोर से बोलो बेटा, मुझे आवाज नहीं आई। यस यस, हमने इसको भी अलग कर दिया, क्या सरफेसेस बढ़े कि नहीं, ये और ये एक्स्ट्रा हुए कि नहीं? यस ठीक है, तो अब अगर हम एक बड़े बॉक्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगी कि नहीं, उसके मैं अंदर की वॉल्यूम सेम है कि नहीं, तीनों बॉक्सेस के मिला के, यस और नो? नो एक बड़ा बॉक्स है,
उसको हमने दो बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, तो दोनों की, एक बड़े बॉक्स की वॉल्यूम ए थी, छोटे दो की प्लस करें तो क्या वो ए के बराबर होगी कि नहीं? यस यस, वॉल्यूम सेम है बट सरफेसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? यस यस, हमने जैसे ये दिखाया कि ये एक पेपर है ना, इसके सरफेसेस एक, ये दो तीन चार पांच छ, ठीक है, छह सरफेसेस। अगर हमने इसको बीच में से काट दिया, हमने इसको बीच में से काट दिया, तो दो सरफेसेस बाकी तो चलो सेम ही रहे, बट ये और ये सरफेस बढ़ गया कि नहीं? यस और नो? यस यस। हमारी जो बेटा एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो किसके थ्रू हो रहा है? सरफेस के थ्रू हो रहा है। जितने सरफेसेस ज्यादा होंगे उतना जल्दी एक्सचेंज होगा, यस और नो? यस ये एक एल्वियोलाई है, उसमें से एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत सारे एल्वियोले, वॉल्यूम सेम है दोनों की बट ये बहुत सारे है, किसमें ज्यादा एक्सचेंज होगा, ए में कि बी में? बी बी में। सो क्वेश्चन इज, व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई इन अवर लंग्स? टू इंक्रीज सरफेसेस, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर क्विक गैसियस एक्सचेंज, यस और नो? यस ठीक है, तो व्हाई देयर आर, क्वेश्चन में कम कि व्हाई नॉट देयर इज सिंगल एल्वियोलाई, व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, क्या बोलोगे जिसके पास माइक है वो बताए? सरफेसेस सरफेसेस फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पता चला बेटा, यस एक बड़ा सेल है, ठीक है, वो बाहर से बहुत सारी चीजें लेता है, और एक दो छोटे छोटे सेल्स है, कौन से सेल्स में ज्यादा एफिशिएंसी होगी, बड़े सेल में कि दो छोटे सेल्स में? मैम, दो छोटे सेल्स में। दो छोटे सेल्स में, क्योंकि वो बाहर से सामान जल्दी से ले रहा है, क्योंकि उसके पास सरफेसेस ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा। पीछे नहीं देखना बेटा, सीधा सीधा बेटा, पीछे नहीं, बातें नहीं, यही कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करती है आपकी भी और टीचर की भी, ठीक है? तो इधर बिल्कुल ध्यान से, इज इट क्लियर? मैम यस ठीक है, सो व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सेकंड थिंग, जो ये एल्वियोलाई है बेटा, इसके बाहर एक बेटा स्टिकी फ्लूइड है, टू कीप इट मॉइस्ट, जो भी एयर अंदर आती है वो इसमें डिजोल्व होती है फिर अंदर आती है, तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसेस आर मॉइस्ट। अगर ये ड्राई हो जाएगी ना एल्वियोलाई, तो गैसेस का अंदर बाहर आना जाना बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा। सो व्हाई इन फ्रॉग्स द स्किन इज मॉइस्ट, व्हाई द गिल्स आर मॉइस्ट, व्हाई द एल्वियोलाई और लंग्स आर मॉइस्ट? फॉर इजी पैसेज ऑफ, फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, अब बेटा अगर हम ये देखें जरा, सो दिस इज मैग्निफाइड एल्वियोलाई, कैन यू सी दिस? दीज आर यस एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाता है, एंड ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड। कैन यू सी दिस? यस ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? देन अगर हम इस एल्वियोलाई को काटें, अगर हम इनको, ये गुच्छा है एल्वियोलाई का, बंच ऑफ एल्वियोलाई, इफ वी कट इट देन वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर, राइट? अंदर से आपको खाली नजर आ रहा है, इसमें हवा जाती है, और ये जो रेड स्ट्रक्चर्स है इसमें से यू कैन से द डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। बट व्हाट हैपेंस टू दिस, व्हाई दीज आर ब्लैक? बिकॉज इट हैज
डेपोजिशन ऑफ स्मोक, इज इट ओके? यस ठीक है, तो यहां पे दिस इज एल्वियोलाई ऑफ हेल्दी पर्सन, ये एल्वियोलाई ऑफ हेल्दी पर्सन, वेयर एज दिस इज एल्वियोलाई ऑफ ए स्मोकर। अगर हम देखें बहुत सारी होती है, स्मोकर की कुछ एल्वियोलाई में यहां पे क्या डिपॉजिट हो गया, सभी में नहीं, कुछ में स्मोक डिपॉजिट हो गया, और जहां पे स्मोक डिपॉजिट थिक वॉल हो गई, यहां से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां से होगा। और अगर इसमें देखें, इसमें यहां से यहां से यहां से यहां से, तो अब मुझे नेक्स्ट गर्ल या नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसके पास भी माइक है, नेक्स्ट स्टूडेंट को दो माइक। ठीक है, अब यस मुझे यहां बताइए बेटा, स्मोकर्स में क्या फर्क हुआ है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द एल्वियोलाई ऑफ ए स्मोकर एंड नॉन स्मोकर? मैम, दैट इज मोर ब्लैक देन हेल्दी ब्लैक पर्सन। तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट सरफेस एरिया, सरफेसेस की बात बताएं, मैम सरफेस एरिया इज लेस सर, इन मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं, इन स्मोकर की हेल्दी। मैम इन स्मोकर। वेरी गुड, सो इन स्मोकर्स द सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, वेरी गुड, ड्यू टू विच लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, स्मोकर के ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, इसलिए क्योंकि स्मोकर को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो मुझे बताएं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग स्मोकर में ज्यादा होगा कि कम होगा? कम रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की कैपेसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही है उसके ब्लड में, ज्यादा ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, वो कहते हैं जल्दी से सांस लो ताकि ऑक्सीजन जाए। ठीक है, सो वाई, बैठो बेटा, वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर इन स्मोकर्स, बिकॉज देयर एल्वियोलाई आर ब्लॉक्ड, दे हैव लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। इज इट ओके, क्लियर यस एवरीबडी? है यस ना, तो स्मोकर्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई होता है, स्मोकर्स के सेल्स में ऑक्सीजन कम है, इसलिए वो ढीले होते हैं, एनर्जी नहीं होती है उनके पास, वो भाग नहीं सकते ज्यादा, ओके, लिथार्जिक होते हैं, ओके, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स जो मैं लिखवा रही हूं, ये लिखना जरा, राइट डाउन। CO2 इज मोर सोल्युबल इन वॉटर देन ऑक्सीजन, CO2 इज मोर सोल्युबल इन वॉटर देन ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो कि देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर देन एयर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट माइक लो बेटा। मैम यस हाँ जी बेटा, वाई एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स जी मींस जो पानी में रहते हैं, दे हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग देन लैंड एनिमल्स, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताओ। मैम, बिकॉज मैम जो मैम जो मैम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैम कार्बन डाइऑक्साइड देयर मैम, इट इज मोर इन वाटर देन कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, या आप सिंपल कह सकते हो बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन वॉटर। बेटा बातें नहीं, मैम गए और बातें शुरू। यस बॉयज, बातें नहीं बेटा, बस हमारा 5-7 मिनट का काम है। बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन वॉटर, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज हायर देन लैंड एनिमल्स? बिकॉज मैम ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इन वॉटर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट दो बेटे, तीसरा है। ब्लड, यू नो, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में प्लाज्मा है जो फ्लूइड पार्ट है, एंड ब्लड सेल्स है। बेटा नेक्स्ट स्टूडेंट, यू टेल मी कि प्लाज्मा हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड की मोर ऑक्सीजन? प्लाज्मा है मैम मोर कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई इट हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड? मैम बिकॉज़ इट यस। प्लाज्मा मैक्सिमम, इसमें फ्लूइडिटी किस कारण है, किस चीज का बना है प्लाज्मा? इधर उधर नहीं देखना, आप खुद सोच के बताओ फ्लूइड क्यों है, बह रहा है ना? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड मच ऑफ वॉटर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ व्हाई इट हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड? मैम बिकॉज देयर इज मोर वाटर इन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड मोर इन वाटर। सोल्यूबल इन वॉटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बैठो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, सॉरी, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन जो आ जाता है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। तो व्हाई प्लाज्मा, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। व्हाई प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर। और बेटा एक और प्रॉपर्टी लिख लो जरा, राइट डाउन इन योर कॉपी, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर। ये नहीं कि पानी में होती नहीं है, कम होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ जी, पीछे माइक दो बेटा। बेटा यस इफ अ रिवर इज मिक्स्ड विद हॉट वाटर, हॉट वाटर पोल्यूशन हो रही है, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट्स किल्ड, व्हाई? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर। हाँ, अभी अभी मैंने बताया, बिकॉज ऑक्सीजन विल लेस। यस, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर देयर विल बी लेस ऑक्सीजन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन द ऑर्गेनिजम्स विल डाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट। ये बताइए बेटा, पढ़ो। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा, मुझे सुन नहीं रहा, जरा जोर से। हाँ मैम बी बेटा, वाटर से लेती है कि एयर से लेती है? बेटा जो सॉयल है, आंसर इसका ए है। जो सॉयल है ना बेटा, उसके अंदर एयर स्पेसेस होती है, सॉयल पार्टिकल्स में मैम ए ए है ना, तो वहां से रूट्स ब्रीद करती है। बैठो बेटा, बैठो। बट जब जो है सॉइल में पानी हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, है ना, तो वो एयर स्पेसेस में भी पानी भर जाता है, और पानी में ऑक्सीजन कम है, और रूट्स मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल, राइट।
बट जनरली तभी हम कहते हैं बहुत पानी नहीं देना चाहिए पौधों को, थोड़ा सा दो बस इट्स ओके okay. ठीक है, बट इट ब्रीथ एयर फ्रॉम द इट ब्रीथ्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द एयर स्पेस राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट एमएस हाँ जी बोलिए. एल्वियोली बी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बताया है, किसी और ने नहीं बताना बेटा, ओनली ही विल टेल. मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, क्योंकि वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वेरी गुड. और प्लाज्मा मैक्सिमम वाटर से बना है, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट चारों पढ़ के आंसर देने हैं बेटा ना, किसी से उसके सी डी जो भी आपके फ्रेंड ने कहा उसका नहीं सुनना, अपने खुद आंसर देना है. रिड्यूस द सरफेस एरिया बी बी, क्यों सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, मैम बिकॉज ऑफ क्योंकि स्मोक क्या करता है, थिक मैम मेक द एल्वियोली थिक. ब्लॉक कर देता है. ठीक है अब आंसर बताओ मैम बी बेटा, बी भी है और सी भी है, मैम ब्लॉक सी मैम करने में है ना. सी नहीं मैम दोनों ही सी है बेटा, पहले एल्वियोलाई ब्लॉक कर देता है और फिर सरफेस एरिया कम कर देता, आंसर आ जाएगा डी, बी एंड सी. है ना. ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, है ओके मैम ना ओके. नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक यस है ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट मैम यस अब बताओ बेटा, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है कि एक ठीक है एक गलत है, क्या है, पढ़ो दोनों, कोई नहीं बताएगा, ही विल टेल. जल्दी से 2 मिनट में ताकि हम मैम मैम दोनों सही है. दोनों सही है. क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मैम एक्वेटिक एनिमल्स मैम डिफिकल्ट ब्रीथिंग करते हैं मैम लैंड एनिमल्स. बिल्कुल ठीक है. दे हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग बिकॉज बिकॉज मैम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज लेस वाटर देन एयर. हाँ मतलब ये बिकॉज इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, यस तो ऑप्शन आ जाएगा ए राइट. बैठो बेटा. नेक्स्ट स्टूडेंट मैम किसी भी स्टूडेंट को दे दो, उधर दे दो, उधर दे दो. हाँ जी बेटा ये देखिए, हाँ जी जोर से बोलो बेटा, असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है. राइट, दिस इज करेक्ट. ये मॉइस्ट क्यों होते हैं, मैम दे आर मॉइस्ट टू प्रिवेंट द डैमेज. नहीं ये गलत है बेटा, ये नहीं, दे आर मॉइस्ट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो जब मैम असर्शन की स्टेटमेंट ठीक हो, रीजन की स्टेटमेंट गलत हो, तो ऑप्शन सी आ जाता है. ओके यस सर ठीक है. सो ओके दिस इज ऑल अबाउट, अगेन आई एम टेलिंग यू कि होल ऑफ दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड एंड इट इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब. दैट इज मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, चैनल का नाम है के एडुकॉन ई लर्निंग. दुकान ई लर्निंग भी है ठीक मैं वीडियो है, आई थी मैम आपने देखा था यस मैं रिचर्डसन क्लास की रिचर्डसन क्लास की, हमारी नहीं आई आपकी आई नहीं थी, आ जाएगी आज देखना तो आ जाएगी ये भी. ठीक है सो किस किस ने एक बार देखा था जाकर, रेज योर हैंड्स. मैंने देखा कि वेरी गुड वेरी गुड. मैं देखना सिर्फ, सब्सक्राइब भी किया था वेरी गुड थैंक यू बेटा. आपने देखना किस सब्सक्राइब लिए है, मेरे लिए नहीं देखना बेटा, आल्सो इसलिए देखना है ताकि आपको दोबारा से ये जब घर में जाकर देखोगे ना तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा.
इज इट ओके? ठीक यस है जी, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल मीट टुमारो, कल लास्ट क्लास होगी। अपने कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में से लेकर आना, और कल हम कंक्लूडिंग क्लास लेंगे, राइट? और इसके बाद जो मैंने 4 लेक्चर्स में पढ़ाया बेटा, उसका एक टेस्ट होगा, इसलिए यूट्यूब पे जाके चारों लेक्चर्स आपने रिवाइज करने, मे बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे। बट आई थिंक आपको वैसे ही सब कुछ याद हो गया, यस और नो? आपको पहले भी बहुत कुछ आता था, कुछ चीजें मैंने बताई तो वो भी आपको याद हो, राइट? चलिए, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स थैंक फॉर यू योर मैम, थैंक्स अ कोऑपरेशन, लॉट, थैंक यू. ओके, बाय मैम।